हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। शो से ले देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके ऐसे पर्सन जिनको आप ऑलरेडी जानते हो या कोई न्यू पर्सन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। रीडिंग कलेक्टिव टाइम रेजनर रीडिंग है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, रीडिंग टाइम बेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइज, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, और ये पर्सन तब आपके लाइफ में आएंगे जब डेस्टिनी चाहेगी, ठीक है। जब यूनिवर्स चाहेंगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ओके। जब यूनिवर्स चाहेंगे तो, और ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये पर्सन आपकी किस्मत में हैं तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, या तो ये पर्सन ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेथ। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपके एक्स पर्सन है, ये पर्सन वो हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों का, ठीक है। तो ये वो पर्सन हैं, ठीक है, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपने कैरियर की वजह से आपसे दूरियाँ बना ली, ओके, या इन्होंने किसी और को चूज किया, या अभी ये पर्सन किसी चीज़ को और आपको जगल कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है, खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं चूज करना चाहिए, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, और ये पर्सन बैलेंस में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ मुझे। एस ऑफ वॉन्ट्स, इनके साथ नई शुरुआत तो होगी, ओके, नई शुरुआत होगी। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर भी है, ओके, और सेजिटेरियस, वर्गो भी है यहाँ पर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ट्स, ये पर्सन न्यू है, इस पर्सन को आप नहीं जानते, और ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबल काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, या तो नर्स। फोर ऑफ वॉन्ट्स, या तो ये मैरिड हैं कहीं, या तो आप, और अगर ऐसा नहीं है तो इनसे आपकी मैरिज होगी, ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो इनसे आपकी मैरिज तो होकर रहेगी। फैमिली गैदरिंग के थ्रू आप मिल सकते हो, मैरिज में मिल सकते हो, किसी के मैरिज में मिल सकते हो, ओके, वेडिंग में आप मिल सकते हो डेफिनेटली। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन वो है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आ रहे हैं। गाइस, एक मिनट, शायद आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, यस, अब ठीक है। तो ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ओके, शादी का वादा किया बट पूरा नहीं किया अपना वादा, ये पर्सन वो है, ठीक है, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे और इनसे मैरिज करोगे, ओके, आपकी फैमिली इस पर्सन से आपको मिलाएगी और आप दोनों का मैरिज होगा, ओके, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। आप पहले इस पर्सन को नो बोल सकते हो, ठीक है, आप नो बोल सकते हो क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, और ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि अब आपको प्यार पर भरोसा नहीं रहा, रिलेशनशिप में भरोसा नहीं है, और आप मैरिज नहीं करना चाहते, या तो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को हील नहीं किया है। आपको हर कोई उन्हीं की तरह लगता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो हर
आपको ऐसा लगता है कि हर कोई वो ऐसे ही होंगे। यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए और सच्चाई को देखना चाहिए, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में सन लाएंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगे। और अगर आपने इस पर्सन को एक मौका दिया और अगर आपने अपने इंट्यूशन का सुना, अपना दिल का सुना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सच्चे होंगे, सही होंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही लाएंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे। क्योंकि देख सकते हैं सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, इनके साथ आपकी मैरिज होगी, बच्चे होंगे, ओके, क्या ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा ये, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। लियो भी है यहाँ पर और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे, ओके, या तो आप इनसे, ओके, जो भी आपके पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी होगी। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, ये पर्सन आपके लिए लकी साबित होंगे, ओके, और ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं आने वाले दिनों में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो आधे लोगों के लिए मुझे कहना चाहिए, ठीक है, आधे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये वो हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, जिनसे आपका फाइट हुआ है, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और आधे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन न्यू हैं, ठीक है, ये पर्सन न्यू हैं, बिल्कुल नए पर्सन हैं जिनसे आपकी मैरिज होगी, ओके, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या तो कमिटमेंट देंगे, ओके। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और का वेट है और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। सच्चाई को देखना है आपको, ठीक है, चलिए और देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या होगा आपको लेकर जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सिज़ोफेनियन, अगर इनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपको हर्ट पहुंचाया है, तो आपको इस पर्सन को अपने लाइफ में लेने से पहले बहुत बार सोचना है, सोच समझ कर अपना फैसला लें, क्योंकि ये पर्सन फंसे हुए हैं, अपने सिचुएशन में स्टक हैं और आपको भी अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको सच्चाई को देखना है। अगर जो आप चाहते हो वो ये पर्सन आपको दे सकते हैं, तो लीजिए इस पर्सन को अपने लाइफ में। और अगर ये पर्सन आपको हर्ट पहुंचाते हैं, सिर्फ हर्ट पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते और जो आप चाहते हो वो ये पर्सन नहीं दे सकते, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस, बहुत सारे लोग के लिए ये न्यू पर्सन है, ओके, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको खुशियाँ दे सके, आपको अबंडेंट आएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंट आएगी, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोग के लिए ये पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग के लिए ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध पर्सन होंगे, इनके पास अच्छी जॉब होगी, ओके, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ये, प्रेफुलनेस, आपकी लाइफ में खुशी आएगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इंट्यूशन का सुनना है और पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको हर्ट पहुंचा रहा है लेट गो कीजिए, ठीक है, भले अभी आपको सच्चाई नहीं दिख रहा है, भले अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अंधेरा है, खुशियाँ नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, बट आप लेट गो तो कीजिए, जो सिचुएशन, जो बातें जो आपको हर्ट पहुंचा रहा है, ठीक है, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उनको माफ़ कीजिए, दिल से माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या, ओके, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ओके। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक मिनट, साइंस बता देती हूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस है,
एरिस लियो सेजिटेरियस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो बाय।